गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा। आज हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो देखिए, ये मैंने 3D श्रेणी के एलिमेंट लिखे हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। इनके मैंने आपको एटॉमिक नंबर भी निकालना बताए थे, और स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 और टाइटेनियम 22, वैनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकिल 28, कॉपर 29 एंड जिंक 30। आज हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? किसी भी एटम के लिए उसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का ऑर्बिटल में दर्शाया जाना उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। मैंने स्कैंडियम के लिए लिखा है, और ये अपन को पता है ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन ऑफ्पो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भर सकते हैं, जिनके अकॉर्डिंग सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस वाले ऑर्बिटल में जाते हैं जिसकी एनर्जी कम होती है। और ऑफ्पो डायग्राम से अपन को पता है सबसे कम एनर्जी 1s, उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में 2s, 2p, 3s, 3p, 3d एंड 4s। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने लायक है, मैं बात करती हूँ एक बार 3d एंड 4s की। यहाँ पे अपन n प्लस l रूल लगाते हैं, तो यहाँ n की वैल्यू बोलो कितना है, 3। l के लिए 0 है तो s ऑर्बिटल, 1 है तो p ऑर्बिटल, 2 है तो d ऑर्बिटल एंड 3 है तो f ऑर्बिटल। ये l एज़ीमुथाइल क्वांटम नंबर होती है जिसके मान है। n यहाँ पे होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ पे इसकी वैल्यू है 3। l की वैल्यू d के लिए कितनी होती है, 2, तो यहाँ पे n प्लस l बोलो कितना आएगा, 5। 4s के लिए n प्लस l वैल्यू निकालते हैं, तो n की वैल्यू कितना है, 4। s के लिए l की वैल्यू कितना है, 0, तो बोलो क्या आएगा, 4। अब देखिए, यहाँ से एक बात तो अपन को क्लियर हो गई कि अपने 3d के लिए n प्लस l वैल्यू है 5, और 4s के लिए n प्लस l वैल्यू है 4। तो इन दोनों में से कौन से वाले ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी जिसके लिए n प्लस l वैल्यू क्या होगी, कम। तो 4s की एनर्जी 3d से कम होती है, इसीलिए जब अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन जाते हैं 4s में, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 3d में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मैंने जो कहा है वो, कि जब भी अपन इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अभी अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, वहां पे अपन बात करेंगे कि जब भी अपन इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहले अपन इलेक्ट्रॉन भरेंगे 4s में, 4s में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अपन कहाँ पे भरेंगे, 3d में। ठीक है, इस वाली बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखें, मैंने स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है। 21 इलेक्ट्रॉन्स अपन को भरने हैं, तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d एंड 4s। अब 21 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, s में बोलो कितने आते हैं, 2, ये हो गए 2। p में मैक्सिमम कितने भरे जाते हैं, 6, ये 2 और ये कितने हो गए, 6। टोटल देख लेते हैं अपने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18। अब अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन और बचे हैं, 3। तो आप लोग ध्यान करेंगे, मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि 3d और 4s में से किसकी ऊर्जा कम होती है, 4s की। तो पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4s में, और 4s में बोलो कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2, क्योंकि s में अपन 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब अपने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 20। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन बोलो किस में भरेंगे, d में। तो ये अपने हो गए कितने इलेक्ट्रॉन,
21। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया बोलो किसका, स्कैंडियम का। अब एक बात और देखें आप, ऑर्गन जो कि एक नोबेल गैस होती है, 18 इसका परमाणु क्रमांक होता है। इसके लिए अपन इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, दो, यहाँ पे दो, छह, दो, और कितने भरे जाएंगे, छह। कितने हो गए बोलो अपने, 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। तो अब जब अपन ने स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है, या मैं बोलूं अदर जो भी अपने 3D श्रेणी के ट्रांजिशन मेटल्स हैं, उनमें ये वाला जो विन्यास होगा यहां तक का वो तो सेम रहेगा, क्योंकि यहां तक तो इलेक्ट्रॉन आएंगे ही आएंगे फुली फिल्ड। तो ये देखिए, ये कुछ कुछ का ऑर्गन से मिल रहा है क्या, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। और अगर ऑर्गन से मिल रहा है तो अब इसको अपन बार बार इतना बड़ा नहीं लिख करके बोलो अपन सीधे क्या लिख देंगे कि ये ऑर्गन और उसके बाद का 3d एंड 4s। मेरी बात क्लियर हुई आप लोगों को? अब अपन बार बार वो नहीं लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, उसकी जगह अपन ने लिख दिया कि वो वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके बराबर होता है, ऑर्गन के। तो इसलिए फिर मैं उसकी जगह ऑर्गन लिख दूंगी। फिर अपने दो ऑर्बिटल्स आते हैं 3d एंड 4s, और इसमें अपन इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। सबसे पहले अपन इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 4s में, 4s जब कंप्लीट फिल हो जाएगा उसके बाद अपन किस में जाएंगे, 3d में। तो इसीलिए देखो, मैंने जो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है वो ये लिखा है। आप लोगों को सबको समझ में आया होगा, ठीक है? अब देखिए, ऐसे ही अपन बोलो किसके लिए लिख लेंगे, टाइटेनियम के लिए, वैनेडियम के लिए, क्रोमियम के लिए, जिंक के लिए, कॉपर्स, जितने भी अपने 3D श्रेणी के ट्रांजिशन मेटल्स हैं उन सब के लिए अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। अब देखिए, अपन को पता है ये जो अपने डी ब्लॉक एलिमेंट है, मैंने दिखा रखा है ऐसे, लेकिन पीरियोडिक टेबल में देखो ये कैसे होते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, अपन को पता है। और अपने कौन से वाले वर्ग से स्टार्ट हो जाते हैं, तीसरे वाले वर्ग से। ये चौथा वर्ग है, ये पांचवा है, छठा, सातवां, आठवां, सॉरी नवा, दसवां, और ये है सेकंड ए एंड सेकंड बी, या बोलूं ग्यारहवां एंड बारहवां, ठीक है? और यहाँ पे अपन को पता है कि जैसे जैसे अपन ये आवर्त कौन से स्टार्ट होते हैं, फोर्थ से। अब स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर बोलो कितना था, 21। और जब अपन एक आवर्त की बात करते हैं, आवर्त में अपन बाएं से दाएं चलते हैं, तो जो परमाणु क्रमांक है वो एक एक नंबर से बढ़ता जाता है, अपन सबको पता है। तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक अपन ने लिखा था 22, यहाँ पे 23, 24, 25। और कोई भी अगर न्यूट्रल एटम होता है, कोई भी न्यूट्रल एटम, जैसे मैं इसकी बात करूं, तो न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इसीलिए जब अपन ने स्कैंडियम की बात करी तो अपन ने कहा कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है, वो कितना होता है, 21। और किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में बताता है, और जो द्रव्यमान संख्या होती है वो बताती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बारे में। सब बच्चों को पता है। अब चूंकि ये न्यूट्रल एटम है, इसीलिए इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। इसीलिए अपन ने स्कैंडियम के लिए बोलो कितने इलेक्ट्रॉन्स की बात करी थी, 21। और इन इलेक्ट्रॉन्स को जब आप ऑर्बिटल्स में भरेंगे तो जो विन्यास आएगा उसको अपन बोल देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। क्लियर? तो आप ये मत सोचना ये अपन वर्ग में चल रहे हैं, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है। बात बोलो किसकी हो रही है, आवर्त की। कौन से वाले आवर्त की, चौथे वाले आवर्त की। तो जैसे जैसे आप इधर चलते जाएंगे आवर्त में बाएं से दाएं, अपन देख रहे हैं परमाणु क्रमांक कितने से बढ़ गया, एक एक नंबर से। और परमाणु क्रमांक एक एक नंबर से बढ़ गया, इसका मतलब प्रोटोनों की संख्या एक एक नंबर से बढ़ गई। और चूंकि सारे के सारे कैसे हैं, न्यूट्रल, इसलिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने से बढ़ गए बोलो, एक एक से। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को अपन को कहाँ पे फिल करना है, ऑर्बिटल्स में। तो देखें टाइटेनियम के लिए, देखें ये ऑर्गन सेम यहाँ पे है 3d 4s, पहले मैं लिख लेती हूँ
अब देखें, अपन को इलेक्ट्रॉन भरने हैं और ये अपन को पता है कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 4s में, क्योंकि n प्लस रूल के अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी क्या है, कम। अब यहाँ पे 21 के बजाय बोलो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 22, तो ये तो अपने हो गए 18, 19, 20। अब d में बोलो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2, तो कितने हो गए, 22। ऐसे जब मैं बात करूंगी वैनेडियम की, तो वहां पे देखिए वैनेडियम में आर्गन, और अब देखें ये हो गया 3d एंड 4s, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये हो गए 18, 19, 20 और कितने हो गए, 23। ठीक है, ऐसे क्रोमियम में देखिए आप, क्रोमियम में अगर अपन लिखें तो अब इसको मैं थोड़ा सा, देखो मैंने स्टार लगा रखा है क्रोमियम एंड कॉपर को, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं आपको समझाती हूँ। देखिए आर्गन 3d एंड 4s, 18 हो गए, 19, 20 और 24 है, तो कितना हो गया, 4। क्लियर, लेकिन अपने हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होना चाहिए, लेकिन क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये नहीं होता। क्यों नहीं होता, समझने की कोशिश कीजिए। अपने ये जो 3d और 4s ऑर्बिटल्स हैं, इनकी ऊर्जा का मान लगभग सेम होता है, इसीलिए s वाला एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पे आ जाता है, 3d में, और जैसे ही 3d में आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3d 5 एंड 4s 1। क्लियर, अब देखिए s जो अपना कक्षक था वो कैसा हो गया, हाफ फिल्ड, अर्ध पूरित, और ऐसे ही d वाला, d में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10, 5 होते ही बोलो ये भी कैसा हो गया, हाफ फिल्ड, अर्ध पूरित कक्षक, और ये अपन को पता है कि कोई कक्षक यदि अर्ध पूरित है या पूर्ण पूरित है तो उसका स्थायित्व क्या होता है, ज्यादा। इसीलिए आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये नहीं होता, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ये, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, अपवाद, इसको आप क्या ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ कि जो अपना, सॉरी, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नॉट आर्गन, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपना होगा 3d 5 4s 1। ठीक है, अब देखिए मैग्नीज का बोलो कितना होगा, मैग्नीज 25th नंबर पे है तो यहाँ पे कितने आएंगे, 2, तो 18 और 2 कितने हो गए, 20, और फिर ये 5 बोलो कितने हो गए, 25। क्लियर, ऐसे ही जब आयरन के लिए लिखेंगे तो 20 और 6 26, ये हो गए 20 और 7 27, यहाँ पे हो गए आर्गन के 18 हैं उनको मैं काउंट करके 20 बोल रही हूँ एस में भरने के बाद, तो 18 और 2 20 और 8 कितने हो गए, 28। अब देखिए कॉपर की बारी आती है, तो अपने हिसाब से तो 2 और यहाँ पे कितने हो जाने चाहिए, 9, अपने हिसाब से तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए, पहले 4s में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और फिर 9 बचेंगे, तो 18 2 20 और कितने हो गए, 29। लेकिन कॉपर का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि देखिए 3d 9 एंड 4s 2, अब अपन ने कहा कि एनर्जी गैप ज्यादा नहीं होता है, इसलिए s वाला एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाता है, d में, जैसे ही d में आएगा ये बना देगा 3d 10 4s 1, और अब देखिए ये वाला क्या बन गया, हाफ फिल्ड। क्लियर, और ये वाला बोलो क्या बन गया, फुल्ली फिल्ड, ये हो गया अर्ध पूरित, और ये क्या हो गया बोलो, पूर्ण पूरित, और ये अपन को पता है कि अर्ध पूरित कक्षक या पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं उनका स्थायित्व क्या होता है, ज्यादा, और ज्यादा होने की वजह से कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये नहीं होता, क्या होता है, ये। तो अब मैं इसको लिख देती हूँ 3d 10 4s 1, और अब बात करते हैं जिंक की, तो आर्गन के साथ 18 हो गए, ये 20 हो गए और 10 इसमें आ गए, तो इसको अपन भर दिया 3d 10 4s 2, तो आपको ध्यान में रखना है क्रोमियम को, आपको ध्यान में रखना है कॉपर को। अब देखिए जिंक के बारे में अपन ने एक बहुत शुरू में जब अपन ने पढ़ा संक्रमण धातु, तो जिंक के बारे में अपन ने एक बात बोली थी कि ये जिंक है कि डी ब्लॉक एलिमेंट तो है, लेकिन डी ब्लॉक तो बोलते हैं क्योंकि डी ब्लॉक में आता है, लेकिन इसको अपन संक्रमण धातु नहीं बोलते। अब संक्रमण धातु क्यों नहीं बोलते, ये अपन ने बोला भी था, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में
कोई भी कक्षक अपूर्ण नहीं होता। और ये अपन ने देख लिया कि जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 3d10 4s2, दोनों के दोनों कक्षक क्या हुए हैं, भरे हुए हैं। s भी भरा हुआ है, d भी भरा हुआ है, और इससे पहले वाले कक्षक भी सारे भरे हुए हैं। तो यहाँ पे चूंकि कोई भी अपूर्ण कक्षक नहीं होता, अपूर्ण कक्षक नहीं होने की वजह से ये जिंक होता है। इसको अपन क्या नहीं बोलते हैं, जिंक को संक्रमण धातु नहीं बोलते हैं। अभी भी जिंक डी ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन संक्रमण धातु नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ क्या कि जो भी संक्रमण धातु होगी वो डी ब्लॉक की होगी, लेकिन जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है वो संक्रमण धातु हो, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, ये तीनों डी ब्लॉक एलिमेंट तो है लेकिन संक्रमण धातु नहीं है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई भी कक्षक अपूर्ण नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए अपन बात करते हैं प्रमाणवी और आयनिक त्रिज्या। चलो अब मैं इसको एक बार रब कर रही हूँ। देखें प्रमाणवी त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या क्या होती है। तो देखो प्रमाणवी त्रिज्या की बात करती हूँ मैं सबसे पहले। मान लीजिए कोई परमाणु है, ये उसका नाभिक, ठीक है, और अब इसके चारों ओर इन सर्कुलर मोशंस में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहेंगे, और सबसे बाहरी जो कोश होता है उसको अपन बोलो क्या बोलते हैं, संयोजी कोश, बैलेंस सेल। तो इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहते हैं, और इसको अपन बोलते हैं सबसे बाहरी जो कोश है उसको अपन बोलते हैं संयोजी कोश। अब ये नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है किसी भी परमाणु के लिए उसको अपन बोलते हैं प्रमाणवीय त्रिज्या। और मान लीजिए परमाणु की जगह ये आयन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो आयनिक त्रिज्या। किसी को कोई समझ में आया सब बच्चों को? अगर ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी किसी परमाणु के लिए निकालते हो तो प्रमाणवीय त्रिज्या, और किसी आयन के लिए लिखोगे तो बोलो उसको क्या बोलेंगे, आयनिक त्रिज्या, ठीक है। अब देखिए अपन बात करते हैं इस संक्रमण श्रेणी में प्रमाणवीय और आयनिक त्रिज्या के बारे में। देखिए मैं लिख लेती हूँ एक बार, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। और मैं केवल संयोजी कोश दिखा रही हूँ आपको, भारी वाला कोश D1S2, समझ जाना ये 3D है, ये 4S है, यहाँ पे D2S2, यहाँ पे था D3S2, यहाँ D5, ध्यान करेंगे S1 D5 S2 D5 सॉरी 6S2 7S2 ये 8S2 और ये हो गया 10S2 और ये 10 और बोलो क्या हो गया 2, क्लियर। अब देखिए इन प्रमाणवीय त्रिज्या के साथ में अब जैसे जैसे अपन आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं वैसे वैसे इस प्रमाणवीय त्रिज्या में कमी आती है। अब देखिए कमी आती है लेकिन ये कमी बहुत ज्यादा नहीं होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, और ये जो बीच के अपने एलिमेंट हैं इनमें ऑलमोस्ट स्थिर होती है। शुरू में कमी आती है बीच वाले एलिमेंट्स में लगभग स्थिर होती है और फिर थोड़ा सा बढ़ने लग जाती है। अब ऐसा क्यों, वो देखिए इसलिए क्योंकि किसी भी परमाणु की प्रमाणवीय त्रिज्या को दो फैक्टर काम करते हैं, एक होता है अपना जेड इफेक्टिव और एक होता है परिरक्षण प्रभाव। अब ये दोनों क्या हैं इनके बारे में समझें। देखें सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ जेड इफेक्टिव की। तो जेड इफेक्टिव देखें क्या होता है, ये जो अपना जेड इफेक्टिव होता है ये होता है कि नाभिक के द्वारा उसके संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन, नाभिक है और ये है अपना संयोजी इलेक्ट्रॉन, उस पर कितना आकर्षण बल लगाया जा रहा है उसको अपन बोलते हैं जेड इफेक्टिव। और नाभिक जितना ज्यादा आकर्षण बल लगाएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास में होगा और साइज उतना ही क्या होगा, छोटा। अगर ये आकर्षण बल कम है तो
तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर रहेगा और साइज का मान क्या रहेगा, बड़ा। और पाइप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए अपन यहां से देखते हैं कि जैसे जैसे अपन आवर्त में बाएं से दाएं चल रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं डी ब्लॉक के। यहाँ पे डी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच का आकर्षण बल बढ़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल एक था, दो इलेक्ट्रॉन होते कितना हो गया दो, तीन होते कितना हो गया 3, 4, 5, 6। तो आप देख रहे हो आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल बढ़ रहा है और आकर्षण बल बढ़ने की वजह से साइज का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। अब दूसरी अपन बात कर लेते हैं परिरक्षण प्रभाव की। तो देखिए मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये अपना कोई, इसको एक बार मैं यहां से रब कर रही हूं। देखिए परिरक्षण प्रभाव में देखिए क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, शील्डिंग इफेक्ट और परिरक्षण प्रभाव। देखिए ये अपन को पता है नाभिक का अपना, और डी के जो अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपन कैसे लिखते हैं, देखो केवल संयोजी कोष दिखा रही हूं मैं, 3D and 4S। तो अगर मैं 4 को N बोलूं, N और कौन सा ऑर्बिटल है S, तो यहां पे देखना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान कितना है 3। तो 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4-1, तो अपना 3 आएगा, और 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसको मैंने किससे डिनोट कर रखा है, N से। तो 3 को बोलो मैं क्या लिख दूं, N-1। समझ में आया सब बच्चों को? और ये बोलो अपना क्या है, डी। तो ये मैंने दिखा रखा है सबसे बाहर वाला जो कोष है ये NS कक्षक है, और अंदर वाला जो है वो बोलो कौन सा है, N-1 डी कक्षक। ठीक है, अब अपन को पता है पहले इलेक्ट्रॉन जाते हैं 4S में, और 4S में जाने के बाद कहां जाते हैं, 3D में। और एक चीज और देखी अपन ने कि 4S के अंदर की तरफ कौन होते हैं, डी। अब पहले इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, ठीक है, फिर अंदर वाले कक्षकों में जाएंगे इलेक्ट्रॉन। अब देखें यहाँ पे बनाती हूँ मैं दोबारा, ये नाभिक है, ये 4S, N-1D, और ये कौन है 4S, ये 4S है, N-1D है, और ये D वाले S के अंदर की तरफ, बोले तो नाभिक के पास में। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको नाभिक अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित, क्योंकि दोनों पे अपोजिट चार्ज है, नाभिक उस इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगा। शुरू में मान लीजिए डी में स्कैंडियम में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इजीली आकर्षण हो रहा है। फिर डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 3, 4, और ऐसे अपन को पता है 1 से कहां तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 तक। अब शुरू में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को इजीली अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का इतना इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे ये डी कक्षक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे अपन को पता है ये इलेक्ट्रॉन इन 4S वाले इलेक्ट्रॉन को नाभिक बाहर की तरफ क्या कर देंगे, प्रतिकर्षित, क्योंकि सेम चार्ज हो गए और सेम चार्ज में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो जब ये इन इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से कहां चले जाएंगे, दूर, और नाभिक से दूर होते ही नाभिक का आकर्षण बल इन पे बोलो क्या हो जाएगा, कम। आप और नाभिक का आकर्षण बल कम हो गया तो आप देख सकते हो कि डी वाले जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे अंदर के कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन, इन्होंने बाहर के कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन है उनको नाभिक के आकर्षण बल से क्या कर दिया, परिरक्षित, सील्ड कर दिया। एक तरीके से मैं ऐसे बोल रही हूं, मान लीजिए बारिश आ रही है, आप भीग रहे हैं, इसका मतलब बारिश है वो अपने क्या है, इलेक्ट्रॉन, और अपन खड़े हैं वो क्या है, नाभिक, अभी अपना आकर्षण बल है, बीच में अपन ने क्या लगा दिया, छाता। छाता लगाते देखो बारिश क्या आप तक पहुंच पाएगी क्या, नहीं। इसका मतलब आपका आकर्षण बल के इलेक्ट्रॉन तक पहुंच पाएगा क्या, नहीं। तो एक तरीके से उस छाते ने किसका काम कर दिया, शील्डिंग का। तो सेम एज अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नाभिक को बाह्य इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण से क्या कर रहे हैं, शील्ड,
और सील्ड कर दिया और अंदर वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का आकर्षण बल बढ़ गया, इसका मतलब साइज का मान कैसा हो गया, छोटा। तो ध्यान में रखेंगे, तो इसीलिए जब अपन संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं चलते हैं, अब देखो जहां पे ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, जहां पे जड इफेक्टिव का मान परिरक्षण प्रभाव के बराबर हो जाएगा, वहां पे साइज लगभग क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कि जब ये जड इफेक्टिव और परिरक्षण प्रभाव, तो ऐसे यही तो बोल रहे हैं अपन कि संक्रमण श्रेणी में जब बाएं से दाएं चलते हैं तो शुरू में आकार क्या होता है, घटता है, क्योंकि वहां पे जड इफेक्टिव का मान क्या होता है, ज्यादा। फिर बीच में जड इफेक्टिव और परिरक्षण प्रभाव क्या हो जाते हैं, इक्वल, तो साइज का मान भी लगभग कांस्टेंट हो जाता है। फिर जब अपन और आगे की तरफ चलते हैं तो अपन को पता है परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ गया, परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ गया तो भार वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या चला गया, दूर, इसका मतलब साइज का मान क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि अपन ने कहा था नाभिक और संयोजी को उसके इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को अपन क्या बोलते हैं, अंतरनाभिकीय दूरी। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, थैंक यू।